आज की तारीख में ये है कि लोग बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट, जिस प्रकार की परिस्थितियां इस सरकार ने बनाई है उस कारण से लगातार जो इंडस्ट्री है वो यहां से जा रही है। पिछले 5 वर्षों में जिस समय आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार थी और उस सरकार के समय में केंद्र सरकार से मिलकर जो बड़ी बड़ी योजनाएं लेकर हम लोग आए थे, आज वो पूरी की पूरी योजनाएं ठंडे बस्ते में हैं। सरकार ने जिस प्रकार के पॉलिसीज और प्रोग्राम इंडस्ट्री के लिए दिए हैं उसके कारण से जो इंडस्ट्री है वो बैकफुट पे चली गई है और 2-3 बड़े प्रोजेक्ट, जिसमें सबसे बड़ा प्रोजेक्ट वर्ल्ड बैंक पार्क का था, जिसमें आप सबको मालूम है कि हिंदुस्तान के अंदर केवल 3 वर्ल्ड बैंक पार्क लगे, उनमें से एक पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला और ये 2022 में मिला। इसमें टोटल जो कॉस्ट है वो 1923 करोड़ रुपए थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर था उसमें और जयराम ठाकुर जी के समय में 225 करोड़ रुपया जो है वो बल्क डक पार्क के लिए मिला। लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि उस समय 1405 एकड़ जमीन इसके लिए निर्धारित की गई, लेकिन आज 1 वर्ष 6 महीने खत्म होने के बाद भी कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टर जो है इनके पास फाइनल नहीं हुआ है। ये परिस्थितियां उस समय बनती है जिस समय प्रदेश के अंदर काम कर रही सरकार ऐसे प्रोजेक्टों के प्रति उदासीन होती है और ये मुझे दुख से कहना पड़ रहा है कि कोई भी क्लियर कट मैप नहीं है कि इस प्रोजेक्ट को किस प्रकार से पूरा किया जाए। अगर ये प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में लगता तो इससे हजारों नौजवानों को रोजगार मिलना था और ये जो बोलते हैं कि हम नौजवानों को रोजगार देंगे, ये सबसे पहली एक ऐसी कड़ी आपको देखने में मिलेगी जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में हमें यह ना सुनना पड़े कि बल्कि पार्क जो है वो हिमाचल प्रदेश से चला गया। जिस प्रकार से सरकार का दृष्टिकोण है, जिस प्रकार से सरकार सोच रही है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो हिमाचल प्रदेश को होगा। दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट मेडिकल डिवाइस पार्क लाया गया था फरवरी 2021 में, उस प्रोजेक्ट की टोटल कॉस्ट जो थी वो 350 करोड़ रुपया थी, उसमें 100 करोड़ रुपया जो है वो हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिलना था और जो 250 करोड़ स्टेट का शेयर था जिसमें जमीन और उसके साथ साथ जो बाकी फाइनेंशियल एडजस्टमेंट्स थी वो गवर्नमेंट जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने देनी थी। और आपके ध्यान में रहे कि लगभग 30 करोड़ रुपया सेंटर ने उस समय, जिस समय बीजेपी की सरकार थी, उस समय दिया और सब्जेक्ट टू द कंडीशन था इसमें कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी तो उसके बाद जो है वो 70 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी। लेकिन मुझे ये दुख से कहना पड़ रहा है कि 1 वर्ष 6 महीने बीत जाने के बाद इस प्रोजेक्ट के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं हुआ। हालात ये हैं कि जिन ठेकेदारों ने वहां पे काम किया है उन ठेकेदारों को पेमेंट्स नहीं दी जा रही, उन ठेकेदारों ने गवर्नमेंट को लीगल नोटिस दे दिया है। तो ये बड़े दुख का विषय है कि 2 बड़े प्रोजेक्ट हिमाचल प्रदेश में, जिसके कारण से हिमाचल प्रदेश का नौजवान अपने पैरों पे खड़ा होता, हिमाचल प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल ग्रोथ पिछले 5 वर्षों में चल रही थी उसको पूर्ण रूप से इन्होंने रोक दिया। जयराम ठाकुर जी के समय में एक फ्लैगशिप प्रोग्राम मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, जिसके कारण से बहुत बड़ा काम उस समय सरकार में हुआ और लगभग 4,228 यूनिट्स मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी की सरकार में लगे और 200 करोड़ रुपए की सब्सिडी जो है वो रिलीज की गई। आज स्थिति यह है कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना लगभग समाप्त कर दी गई है, गला घोट दिया है इस योजना का। इस योजना के कारण से नौजवान मित्र 1 करोड़ रुपए तक जो है वो कोई प्रोजेक्ट लगा सकते थे जिसमें एक अच्छा अमाउंट तो सब्सिडी का मिलता था। लेकिन अभी
मुझे पता चला है कि 200 करोड़ रुपए की लायबिलिटी जो है वो इस योजना की जो है वो पेंडेंसी है, वो पड़ी हुई है। और दो मेरे पास दो जिलों के मैंने पता किए कि 150 के करीब जो केसेस हैं जो ऊना के पेंडिंग पड़े हैं, 8 करोड़ रुपए की सब्सिडी नौजवान बच्चों की फंसी हुई है। इसी प्रकार से कांगड़ा के अंदर 320 केसेस जो है वो पेंडिंग है, 12 करोड़ रुपए की जो सब्सिडी है वो वहां पर भी जो है वो फंसी हुई है। यानी एक ऐसी योजना जिसके कारण से हर व्यक्ति को, नौजवान को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बहुत ही अच्छा एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था। और मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि सरकार की नाकामियों नलायकियों के कारण से ये जो योजना है ये योजना बंद हो गई है। ये केवल और केवल योजना ही बंद नहीं हुई, आपके ध्यान में रहे कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने इलेक्ट्रिकल ड्यूटी की जो राहत मिलती थी इंडस्ट्रिस्ट को, उसको इन्होंने बंद कर दिया है। नई इंडस्ट्री के लिए भी और जो एक्सपेंशन यूनिट्स थे उनके लिए भी उसको बंद कर दिया है। बिजली की दरें बाकी राज्यों से ज्यादा है, हाईएस्ट इन द कंट्री। सबसे महंगी बिजली आज जो इंडस्ट्रीज को मिल रही है वो हिमाचल प्रदेश के अंदर मिल रही है। और इलेक्ट्रिकल ड्यूटी जो है दैट इज हाईएस्ट इन द कंट्री। और उसके साथ साथ इंडस्ट्री यहां आती है तो इंडस्ट्री को हम 99 ईयर्स की लीज देते हैं। ये जो सरकार है, इस सरकार ने क्या किया कि अगर आपने इंडस्ट्री लगाने आना है तो आपको 99 ईयर की लीज नहीं अब मिलेगी, अब आपको केवल 40 वर्षों की लीज मिलेगी। कौन आएगा आपके इस प्रदेश के अंदर इंडस्ट्री लगाने के लिए? 118 की फाइलें बंद ताले में पड़ी हुई है, उसकी चाबी किसके पास है, उसको किस प्रकार से उन 118 की फाइल को निकालने के लिए उद्योगपति को किस किस जो है वो सिस्टम से गुजरना पड़ता है, यह भी एक बहुत बड़े दुख का विषय है। अभी हाई कोर्ट ने डायरेक्शन दी है चीफ सेक्रेटरी को कि भैया आप लोग, आपका जो पूरे का पूरा कुनबा है, जो आपका जो जो इम्प्लाइज है, उन लोगों ने चलते हुए कामों को बंद कर दिया है। ये बोल दिया कि चुनाव है, उन्होंने लिखा इसके ऊपर, मैं अखबार की एक कटिंग मेरे पास आई है कि हाईकोर्ट बोल रहा है कि जो भाई नस्लिस का आम काम है उस काम को आप क्यों रोक रहे हो चुनाव को का नाम लेके। तो सारी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो गई है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जो 118 की जो फाइलें हैं वो पूर्ण रूप से बंद है सिंगल विंडो के नाम पे। पहले सिंगल विंडो में अगर केस आता था तो सारी की सारी एनओसी वगैरह साथ हो जाती थी। आज एनओसी लेने के लिए उद्योगपतियों को जगह जगह के ऊपर जो है वो जाना पड़ रहा है। इसके कारण से हिमाचल प्रदेश से उद्योग जो है वो जाना शुरू हो गया है। हिंदुस्तान यूनिलीवर बंद हो गया है, इसके साथ सर्वोत्तम रेमेडीज बंद हो गई है, माइक्रो लिमिटेड बंद हो गया, जेबी ट्रांसफार्मर प्राइवेट लिमिटेड बंद हो गया है। और इसी प्रकार से जो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज है उसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ग्रीन लैम इंडस्ट्री, बारफ्लेक्स, गणेश फैट्स, ये जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रियों ने यहां पे काम करने के वॉल्यूम को कम कर दिया है, छटनी कर दी है। तो ये एक साल 6 महीने के अंदर केवल और केवल हिमाचल प्रदेश में, खास करके बद्दी और नालागढ़ के अंदर माफिया राज पनपा है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं, उन नेताओं ने केवल और केवल स्क्रैप के नाम पे इंडस्ट्रीज को डराना धमकाना जो है वो वहां पे किया हुआ है। इसके कारण से इंडस्ट्रीज जो है यहाँ पे बहुत बुरी तरह से जो दुखी है, और वो एक अच्छा वातावरण जो पिछले 5 वर्षों में यहाँ पे मिला था उस वातावरण के विपरीत जिस प्रकार से डर का माहौल है, माफिया का माहौल है, गुंडागर्दी का माहौल है, हर चौथे दिन वहां पे आप देख रहे होंगे स्क्रैप के चक्कर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, मर्डर हो रहे हैं। तो इन सारी चीजों के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की जो सरकार है ये दोषी है। और मैं तो ये कहूंगा कि जिस प्रकार का वातावरण आज इंडस्ट्रियल क्षेत्र के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर बना है, उसके कारण से नौजवान दुखी है, बेरोजगार दुखी है, इंडस्ट्रीज दुखी है। और आने वाले दिनों में जिस समय अभी लोकसभा का चुनाव आएगा, निश्चित तौर से इन सारी बातों का खमियाजा जो है वो कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ेगा। इतना ही मुझे कहना था, धन्यवाद।
सर मुख्यमंत्री कहते हैं कि और लिस्ट सौंपे हमें कौन सी इंडस्ट्री बंद हुई है। बीते दिनों भी मैंने प्रश्न किया था उनसे, आपने आरोप लगाए थे। मैंने तो नाम दे दिया अभी आपको, अभी बोल दिया मैंने, आपने सुने नहीं। ये मैं बोल रहा हूँ, ये देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है, उसके बाद सर्वोत्तम रेमेडीज माइक्रो लिमिटेड, जेबी ट्रांसफार्म, ये मैंने मोटे नाम लिए हैं। इनके साथ के जो एंसिलरी यूनिट्स होते हैं, छोटे यूनिट्स होते हैं, यहाँ पे उनके साथ के पार्ट्स बनते हैं, वो तो मोर देन 100 है, 100 से ज्यादा है। इसी तरीके से जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, उसके बाद ग्रीन लैम है इंडस्ट्री, बाथटेक्स है, गणेश पैट्स है, ITC है, ये बड़े नाम है जी। ये इंडस्ट्री जो है, इस इंडस्ट्री ने छटनी कर दी है और जो प्रोडक्शन उनकी होती थी उस प्रोडक्शन का लेवल वॉल्यूम भी जो है वो कम कर दिया। ये मैं मोटा बता रहा हूँ, अगर इससे ज्यादा और चाहिए लिस्ट वो भी मैं दे सकता हूँ। और सर हमीरपुर पार्लियामेंट्री की क्या स्थिति है, कांग्रेस ने भी अपना कैंडिडेट दे दिया है अब। हमीरपुर पार्लियामेंट्री भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत गढ़ है। समय समय के ऊपर जब भी लोकसभा का चुनाव हुआ है, आपने देखा है कि लगातार भारतीय जनता पार्टी वहां से जीत रही है। आदरणीय अनुराग ठाकुर जी 4 बार वहां के सांसद रहे हैं, 5वीं बार भी एक बहुत बड़े मार्जिन के साथ वो चुनाव जीतेंगे, ऐसा मेरा मानना है। मार्जिन कितना तक हो सकता है इस बार? मार्जिन तो वोट पड़ेगी तभी लगना, नहीं पता, मार्जिन तगड़ा ही होगा, अच्छा होगा, जमानत भी जब्त हो सकती है।